महावीर कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी नित्य जना ले जाएगा। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी 160 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिश्री 160 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरुस्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 35 है, दिन में खाना और रात में सोना। आज के इस भौतिक युग में धर्म की त्याग की बात करना बहुत कठिन हो गया है। लोगों का कल्चर ही बदल गया है। पहले लोग दिन में काम करते थे, रात में सोते थे। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि रात में भी काम करते हैं और दिन में सोते हैं। इस स्थिति को लेकर के बहुत मुश्किल हो गया है आज जैनियों को ये समझाना कि रात्रि भोजन त्याग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रात्रि भोजन करने से बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। दिन में प्रकाश रहता है सूर्य का, गर्मी रहती है, इसलिए जीवों की इतनी उत्पत्ति नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश और प्रताप चला जाता है, रात्रि के अंधकार में थोड़ी ठंडक होती है, तब जीवों की अधिक उत्पत्ति होने लगती है। लाइट के माध्यम से हमें देखने को ही मिलते हैं, बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाया करते हैं। ऐसी स्थिति में भोजन करने वालों को जीव हिंसा का पाप लगता है, जिसके माध्यम से नरक जैसी यातनाओं को सहन करना पड़ता है। आचार्य जी रात्रि भोजन त्याग का वर्णन कर रहे थे और उसमें उन्होंने बताया रात्रि भोजन त्याग से एक वर्ष में 6 माह के उपवास का फल मिलता है। अर्थात जो व्यक्ति एक वर्ष रात्रि भोजन का त्याग कर देता है, उसे 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। इसलिए सावकों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। सावकों को आचार्यों ने दिन में ही 2 बार भोजन करने को कहा है, अर्थात एक बार खावे योगी, 2 बार खावे भोगी और 3 बार खावे रोगी, इससे अधिक बार खाओगे तो जल्दी मृत्यु होगी। अर्थात सावक को 2 बार से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन करने से जीव हिंसा तो होती ही है, साथ ही साथ अनेक प्रकार के शारीरिक रोग एवं मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। आलस्य बढ़ता है, क्षयोष्म घटता है, अर्थात स्मरण शक्ति कमजोर होती है। विद्यार्थियों को तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात सोने से 6 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, तभी भोजन अच्छे से पचता है और पचने के साथ साथ वह बल और बुद्धि को बढ़ाने में सहायक हुआ करता है। इस प्रकार का व्याख्यान आचार्य कर रहे थे। आचार्य जी ने आगे कहा कि दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात दिन में खाना चाहिए और रात में सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है एवं रात में खाने से नरकायु का आश्रय होता है। तब मैंने कहा आचार्य जी हम लोग बच्चों को ऐसा कहा करते हैं कि दिन में सोना, रात में खाना, नरक में जाकर खूब रोना। क्या कहते हैं बच्चों को? दिन में सोना, रात में खाना, नरक में जाकर खूब रोना। इस बात को सुनकर के आचार्य जी हंसने लगे और बोले अब ऐसा कहा करो, दिन में खाना, रात में सोना, जीवन में कभी न रोना। आज इसने बहुत अच्छा सूत्र दिया आज के बच्चों को, युवकों को, युवतियों को, कि हमेशा दिन में खाना चाहिए, रात में सोना चाहिए और जीवन में कभी नहीं रोना चाहिए। अर्थात दिन में खाना, रात में सोना, जीवन में कभी ना रोना। अर्थात जो दिन में भोजन कर लेते हैं, रात्रि भोजन त्याग करते हैं, और दिन में शयन नहीं करते, रात्रि में शयन करते हैं, वो कभी जीवन में दुख नहीं उठाते। उनका ज्ञान क्षयोष्म भी पड़ता है, धर्म का पालन भी होता है, निरोगी काया भी बनी रहती है। धन्य है गुरुदेव जो हम सभी को ऐसे समय समय पर छोटी छोटी बातों के माध्यम से जीवन का पाठ पढ़ाया करते हैं। विद्या के धनी विद्या सागर, तुमको नमन हमारा है,
कुंद कुंद उर पूज पादसा, जीवन तुमने पाया है। तुम सजीवन में भी पाऊं ये भक्त तुम्हारा है। सुन लो मेरे विद्यासागर, तुमको नमन हमारा है, तुमको नमन हमारा है। ऐसे चरिया के धनी आचार्य गुरुदेव के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।